अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करने वाले एक कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार करने में तहसील पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। आरोपी से लगभग 2 लाख का मुद्देमाल जब्त करने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। नशीले पदार्थ के सेवन के चलते कई लोग गलत राह अपना लेते हैं। ऐसे ही अपने व्यसन पूरे करने के लिए चोरी कर रहे एक कुख्यात आरोपी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार वैष्णव देवी चौक वर्धमान नगर निवासी फरियादी पूनम अग्रवाल, इन्होंने टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के सामने अपनी दोपहिया गाड़ी पार्क करके रखी थी। इस बीच आरोपी उनकी गाड़ी चुरा कर फरार हो गया। इस संदर्भ में फरियादी ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी की खोजबीन आरंभ की और कड़ी कार्रवाई करने के बाद उन्होंने हर्ष खोत नामक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 20/12/2021 रोजी सायंकाळी 7:30 सुमारास वर्धमान नगर पोलीस स्टेशन लगनगर निवासी श्रीमती पूनम भुवानीलाल अग्रवाल व 39 वर्ष हे काही कामाकरता गांधीबाग येथे आले होते। त्यांनी गांधीबाग बँक ऑफ बडोदावर आपली ॲक्टिवा गाडी पार्क केली होती आणि काम करून जेव्हा परत आले तेव्हा त्यांना तिथे ॲक्टिवा गाडी दिसली नाही। त्यांच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 1034/21 कलम 379 नोंद करण्यात आला होता आणि सदर उदळ गुन्हा उघडकीस आणण्याकरता आम्ही आमचे तपास पथक ASI दुबे, हेड कस्टमर लक्ष्मण शेंडे, प्रमोद शनिवारे यांना आदेश दिले होते। आमचे पथक सदर गुन्ह्याचा तपास करीत असताना त्यांना बांगलादेश नाईक तलाव PS पाचपावली निवासी जुना रेकॉर्डवरील गुन्हेगार हर्ष सुधाकर खोत वय 22 वर्ष हा संशयास्पद दिसून आल्याने त्याला ताब्यात घेतले असता त्याच्याजवळ सदर गुन्ह्यात चोरीस गेलेली ॲक्टिवा गाडी मिळून आली। तसेच त्यावरून त्याला त्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि आरोपी हर्ष सुधाकर खोत वय 22 वर्ष याला सखोल विचारपूस केली असता 1 महिन्यापूर्वी पोलीस स्टेशन तहसील येथे दाखल अपराध नंबर 1017/21 कलम 379 सुद्धा चोरीस गेलेली ॲक्टिवा गाडी त्याच्याकडून ताब्यात मिळाली। गिरफ्तार आरोपी के बारे में तहकीकात करने के बाद उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया। आरोपी से कुल 8 दोपहिया वाहन ऐसे 2,35,000 का मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा BCN News नागपुर।